इलेक्ट्रॉन है, मोमेंटम है, उसका जो मोमेंटम है वो चेंज है, मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, पी की वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रखना। एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज, मतलब चेंज इन लैम्डा जो है वो 0.5%, मतलब 0.5/100, ये ऐसा दिया हुआ है चेंज इन लैम्डा और चेंज इन पी। इनिशियल मोमेंटम निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है एच अपॉन पी के इक्वल होता है, और अगर परसेंटेज चेंज बहुत ही छोटा है तो मैं एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ इसमें। तो एरर वाला कॉन्सेप्ट डेल्टा लैम्डा अपन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन, और यहाँ से पी आ जाएगा, ठीक है, हम सबको पता है डेल्टा पी अपन पी, एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप, पढ़ के आए होंगे, एच कॉन्स्टेंट है उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ से जो है डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जो है वो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू डेल्टा लैम्डा 0.5% ऑफ लैम्डा है, तो ये ऑफ लैम्डा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5/100, और नीचे लैम्डा था और ये लैम्डा, और इज इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू पी है, और ये जो चीज़ है वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, एक्चुअल मोमेंटम। तो ये इनिशियल मोमेंटम और यही पूछा जा रहा है, तो लैम्डा ने लैम्डा को ख़त्म कर दिया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट ने पॉइंट को ख़त्म कर दिया, ये 2 times ख़त्म कर दिया, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 200 ऑफ द एक्चुअल मोमेंटम पी। तो चेंज इन मोमेंटम का 200 ये आ जाएगा, मतलब हम लोग का